बहादुरगढ़ से इनेलो बसपा गठबंधन प्रत्याशी शीला नफे सिंह राठी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जोर शोर से किया प्रचार। आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शीला नफे सिंह राठी का विभिन्न गांवों व वार्डों में पहुंचने पर ट्रैक्टर पर बिठाकर ढोल नगाड़ों से फूल माला पहनाकर लोगों ने इस बार जीत दर्ज कराने का आश्वासन दिया। गाँव में पहुँचने पर शीला नफे सिंह राठी से गाँव की महिलाओं ने आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों ने अपना आशीर्वाद देते हुए उन्हें इस बार भारी वोटों से जिताने का वादा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शीला नफे सिंह राठी ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं अपनी बहादुरगढ़ हलके के हर गांव से और बहादुरगढ़ शहर में 32 वार्ड के लोगों से एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूं, हाथ जोड़ के इनेलो और बसपा गठबंधन की जो उनकी अपनी प्रत्याशी है शीला नफे सिंह राठी, आप अपना एक एक वोट देकर मुझे विजय बनाएं और अपने बहादुरगढ़ के विकास के लिए आगे की रणनीति तय करके और उसको सफल बनाएं। जी कार्य तो बहुत हैं, इस बहादुरगढ़ शहर को जिस तरह बर्बाद किया गया है, लूटा गया है दोनों हाथों से, 10 साल लगातार कांग्रेस की सरकार रह गई, कांग्रेस की ही चेयरमैन होती थी बहादुरगढ़ से और कांग्रेस का ही MLA होता था बहादुरगढ़ से। मैं कांग्रेस के MLA के गांव में गई नूना माजरा में, तो वहां के चलने के लिए जो आम पब्लिक को जरूरत होती है वो एक रोड की जरूरत होती है, उस रोड पे के चलने का भी रास्ता नहीं और निकलने का भी रास्ता नहीं है, पैदल निकलने का भी रास्ता नहीं है। और जैसे वहां स्कूल है गर्ल्स स्कूल, उस स्कूल में जब बारिश आती है तो हमारे हरियाणा में जो कहावत है गोडे गोडे तगड़ियो तगड़ियो, पानी का लबालब स्कूल भर जाता है और बच्चियों को एक परिवार का घर की द्वार लगती है वो तोड़ कर और बच्चियों को वहां पढ़ाने के लिए भेजा जाता है। तो ये तो विकास है कांग्रेस का। और दूसरा विकास है बीजेपी का, बीजेपी का जो अपने बहादुरगढ़ विधान इस हलके से जो कमेटी में चेयरमैन है वो हालात इस तरह के हैं, नहीं तो पानी की सप्लाई अच्छी है, नहीं रोडों की सुविधा है और नहीं कोई सफाई की सुविधा है। सफाई के नाम पर कह रहे हैं हम 4-4 करोड़ रुपया महीने में खर्च करते हैं। मैं कहती हूँ अगर 1 करोड़ रुपया भी महीने में खर्च हो जाए तो हमारा बहादुरगढ़ साफ सफाई के नाम पर नंबर 1 कनॉट प्लेस की तरह दिखाई दे। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे खर्च किया जा रहा है, किस तरह हमारी इस बहादुरगढ़ जनता को लूटा जा रहा है, क्योंकि वो पैसा हमारी अपनी बहादुरगढ़ की जनता का है, वो टैक्स का पैसा है, वो कोई अपने घर से उस पैसे को बनाकर नहीं लाए हुए हैं, जिस तरह दोनों हाथों से लूटा जा रहा है। तीसरा मेरा मुद्दा है जिस तरह चौधरी नफे सिंह राठी ने अपने बहादुरगढ़ को सजाया था संवारा था, वो बहादुरगढ़ आज इस तगार पे जा चुका है कि वहाँ लोग प्लान वापिस प्लान कर चुके हैं इंडस्ट्री के अपराध में नंबर 1 पे बहादुरगढ़ हलका पहुंचा दिया है इन दोनों सरकारों ने। और बातें करते हैं विकास की और बड़े बड़े वादों की, जो हमारी सरकार ने चौटाला सरकार ने जो विकास किया था, यहाँ से उनके बनाए हुए विधायक नफे सिंह राठी ने जो विकास किया था, उसके बाद 20 साल में आज तक ना कोई नया निर्माण स्कूल का, ना कोई नया निर्माण कॉलेज का, ना ही कोई नई इंडस्ट्री का, ना ही कोई हमारे शहर को नई योजना का। और ये मैं अपनी जनता से फिर अपील कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट दें और अपने प्रत्याशी को यहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के उनकी अपनी श्रीमती शीला राठी उसको विजय बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।